जलभराव की समस्या को लेकर डीएम से शिकायत। प्रतापगढ़ जनपद के नागरिक अधिकार मोर्चा के पदाधिकारियों ने मंगलवार को शहर के विभिन्न मोहल्लों में हो रहे जलभराव से मुक्त दिलाने के लिए पूर्व विधायक हरि प्रताप सिंह को ज्ञापन दिया। इसमें कहा गया है कि नई बस्ती, बलीपुर, प्रेमनगर, कुशहालपुर, शिवजीपुरम सड़क का नमोनिशन नहीं है। कारंजा की वजह से सर्वर मोहल्लों में जलभराव रहता। जमीन के विवाद में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, 6 लोग घायल। नगर पट्टी कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर आधारगंज गांव में जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिससे 4 महिला सहित कुल 6 लोग घायल हो गए। क्षेत्र के शेखपुर गांव निवासी चंद्र प्रकाश सिंह का पड़ोसी ओम प्रकाश से जमीन का विवाद चल रहा है। मामूली विवाद को लेकर सोमवार सुबह दोनों पक्ष के लोगों के बीच लाठी डंडे लेकर भिड़ गए। एक पक्ष से चंद्र प्रकाश, उनकी भाभी सुषमा व भतीजी घायल हो गई, जबकि दूसरे पक्ष से ओम प्रकाश गुड़िया व खुशी को भी चोटें आई। दोनों पक्षों के लोगों ने कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने घायलों को सीएससी भेज। रामपुर खास की 14 सड़कों की मरम्मत की ओर मिली मंजूरी। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, विधायक मोना मिश्रा के प्रयास से रामपुर खास की 14 सड़कों की मरम्मत व नवीनीकरण की मंजूरी मिल गई है। सड़कों की मरम्मत व नवीनीकरण के लिए 13.5 करोड़ की धनराशि की मंजूरी मिली है। मंगलवार को मीडिया प्रभारी ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने लोगों को इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। एलापुर थाना के डी मेहदी बाबूगंज से मंगलवार को सुबह दरोगा जय किशन यादव ने 3 वारंटी मोहम्मद शहजाद, निजामुद्दीन आजाद हुसैन समेत 3 आरोपियों को घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कपड़ा बैंक ने गरीबों को बांटे कपड़े। भीषण सर्दी से बचाव को गरीबों को कपड़े बांटने को मंगलवार कपड़ा बैंक आगे आया। कपड़ा बैंक ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवार को गर्म कपड़े वितरित किए। कपड़ा बैंक के संयोजक मंगलवार को कुंडा नगर पंचायत के गुलाम चिश्ती का पुरवा मोहल्ले में झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रहने वाले दर्जनों परिवारों को कड़ाके की ठंड से निजात दिलाने के लिए कपड़े वितरित किया। कपड़ा बैंक की गाड़ी देखते ही जरूरतमंदों के चेहरे खिल गए। सूरत में युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। सूरत शहर में पान की दुकान चलाने वाले युवक की अचानक मौत की खबर पर परिजनों में कोहराम मच गया। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के दुखियापुर गांव के सरबजीत पांडे के बेटे लल्लू पांडे 35 साल सूरत शहर में पान की दुकान चलाता था। सोमवार की रात 9 बजे पेट में अचानक दर्द हुआ। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो उसने दम तोड़ दिया। मृतक के 2 बेटे व पत्नी उसके साथ सूरत में ही रहते हैं। मौत की सूचना पर परिवार के लोग सूरत के लिए रवाना हो गए। नगर कोतवाली के कुशनी क्रासन के पास 4 जनवरी को सड़क पर मृत मिले सिपाही के भाई दिलीप सरोज को बाइक ने टक्कर मारी थी। दिलीप के भाई ने अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई। रानीगंज के दरियापुर पावर हाउस निवासी दिलीप का शव मिलने के बाद परिजन हत्या का आरोप लगा रहे थे। सोमवार शाम शहर कोतवाली में दिलीप के भाई संदीप सरोज की तहरीर पर तेज व लापरवाही से बाइक चलाने पर चालक के खिलाफ टक्कर मारने की रिपोर्ट दर्ज की गई। आदेश दिया सर, नहीं जलाए गए अलाव। कड़ाके की ठंड व गलन के बाद भी नगर पंचायत में अलाव की व्यवस्था नहीं हो रही। नतीजे ऐसे हालात में गरीब व राजीव ठंड से ठिठुर रहे हैं। खास बात यह है कि अब तक जहां ग्राम पंचायतों की ओर से अलाव जलवा जाते थे, ऐसे स्थानों पर भी अलाव ठंडे पड़े हुए हैं। दरअसल नगर पंचायत का गठन होने के बाद सारे विकास कार्य की जिम्मेदारी नगर पंचायत प्रशासन की है। यही निशासन का आदेश है कि ठंड से आम जनमानस को बचाने के लिए सार्वजनिक स्थान पर अलाव की व्यवस्था कराई जाए। महिला को पीटा, पिता पुत्र पर केस। प्रतापगढ़ नगर कोतवाली के बेनीपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर पड़ोसियों में दलित महिला सुशीला देवी को मारपीट कर घायल कर दिया। आरोप है कि इसी दौरान उसके कपड़े फट गए।
एसपी से शिकायत के बाद सुशीला देवी की तहरीर पर अंकित तिवारी और उसके पिता घनश्याम के खिलाफ और एससी एसटी का केस दर्ज कर लिया गया। दहेज उत्पीड़न में फरार एक महिला पर एफआईआर। प्रतापगढ़ जनपद के जठवारा में दहेज उत्पीड़न के मामले में एक साल से अधिक समय से फरार सराय इंद्रावत पांडे का पुरवा की सुषमा सरोज के खिलाफ एसआई दिनेश सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की विवेचना सीओ सदर पवन द्विवेदी कर रहे हैं।